अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का लेक्चर जो है हमारा एबिलिटी के पोर्शन से है। ठीक है, तो एबिलिटी के पोर्शन में जो हमारे पास सिलेबस है FIA का या IB का, ठीक, तो उसमें हमारे पास एक एवरेज है जो हमने करना है, दूसरा परसेंटेज है, तीसरा जो है हमारे पास टाइम एंड वर्ड के क्वेश्चंस है, फोर्थ वन जो है वो हमने करना है प्रॉफिट एंड लॉस वाले, और फिफ्थ वन जो है वो हमने अलजेब्रा करनी है, और सिक्स्थ वन जो है वो हमने बेसिक जो छोटे थोड़े बहुत जो पावर्स में होते हैं, जिस तरह के 2 की 2 की पावर 3 या एक्स की, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, इस तरह के जो सवाल हैं उनके शॉर्ट ट्रिक्स करेंगे। ठीक, तो अभी सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं एवरेज से। एवरेज क्या होती है? एवरेज ये होती है, हम बचपन से ही हमने पढ़ा था कि एवरेज होती है सम ऑफ नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर। ठीक है, तो एवरेज का फॉर्मूला जो हमारे पास है वो यही है कि सम ऑफ क्वांटिटीज या सम ऑफ नंबर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर्स। अच्छा जी, अब स्ट्रेट अवे हम डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम कम है पेपर्स में भी। ठीक, अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है और उसमें से कहता है कि आप एवरेज फाइंड करें किन नंबर्स की जी, 9, 12, 13, 6, 10 एंड 4 की। अच्छा, अब हमने देखना है कि ये कंजेक्टिव नंबर है आया, कंजेक्टिव नंबर ये है कि अगर एक बढ़ रहा है, चलो ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, अगेन ये डाउन आ गया। अगर ये हम देखते हैं कि कंजेक्टिव नंबर है, तो फिर वो मिड वाली जो वैल्यू होती है वो हमारे पास एवरेज होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा केस नहीं है, कंजेक्टिव नहीं है, तो इस केस में हमने क्या करना होता है, इस केस में सिंपल ये वाला फॉर्मूला लगेगा और उसी के अकॉर्डिंग हम जल्दी से इसको प्लस कर देंगे, +6 +10 +4, सिंपल ये 20 हो गया, ये 25 हो गया, और ये 9 हो गया, 25 और 9 34 हो गया, अब देखो 54, और ये इसको ऐड करें तो कितना बनता है। ठीक है, 25 के साथ 34 और 20, तो ये हमारे पास 54 आ गया, और ये टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 6 आ, तो 6 9 आ, तो ये हमारे पास क्या होगी, ये एवरेज होगी। अच्छा, अब नेक्स्ट मूव ऑन अगर हम करते हैं तो हमारे पास एक और क्वेश्चन है। हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगे, लेवल को बढ़ाते जाएंगे। इसमें मिक्स है, इंडिया बिक्स की है, एग्जाम वीडा की, ठीक है, और डिफरेंट जो टीचर्स वगैरह भी पढ़ाते रहते हैं उन्हीं की नोट्स हैं थोड़े बहुत। ठीक है, FPSC के अकॉर्डिंग इसमें क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाता चाहूँ साथ साथ। ये तो फर्स्ट वन था हमारा क्वेश्चन। सेकेंड वन क्या है? सेकेंड वन है हमारे पास कि 3, 5, 8, 3, 5 एंड 10। अब देखो ये कंजेक्टिव नंबर है, कंजेक्टिवली ये बढ़ता जा रहा है, लेकिन देखो अब कंजेक्टिव नंबर ये कैसे, हमने देख लिया कि यार ये तो कंजेक्टिव नंबर नजर आ रहे हैं, लेकिन नहीं, कैसे? क्योंकि ये देखो 3, 5, तो इसके बाद 7 होना चाहिए था ना, लेकिन ये डायरेक्ट 10 है। अब 10 है तो इसको अगेन, अगर आप कह देते हो कि चलो यार ये एवरेज है हमारे पास, एक इजी ट्रिक जो है वो हम कहते हैं ये वाला, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, इसको क्या करना होता है, आपने सिंपल अगेन इसको 3 + 5 + 10 18 आ जाएगा, इसके एवरेज जो है वो 6 बन जाएगा। कैसे? ये 18 है और डिवाइड बाय 3, तो 3 6 18। तो बस दूसरा सवाल हो गया। अच्छा, अब इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाएंगे। ठीक है, ये नहीं आपने कहना कि सर बहुत इजी करा रहे हैं, अभी सब्र करते जाएं, आहिस्ता आहिस्ता चलता जाएगा। अच्छा, अब अगेन है फाइंड एवरेज ऑफ 2, 5, 6, 9 एंड 18, ये तो आप लोग इजीली निकाल लोगे। अच्छा, अब फोर्थ वन जो है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास ये है कि अहमद बॉट कलर पेंसिल्स। ठीक है, कलर पेंसिल्स खरीदे अहमद ने, ठीक है, और उनकी जो प्राइस थी, विद प्राइस कितनी थी, 3.45, ठीक है, फिर उसके बाद 16.75, फिर उसके बाद 9.84, फिर उसके बाद 8.16। अच्छा, अब आपने देख लेना है, ये अगेन फोर्थ नंबर है, और वो क्या कह रहा है, ये तो वो कह रहा है कि जो उसकी कलर पेंसिल्स है वो लेता है इतने पैसों की, मतलब चार कलर पेंसिल ले लिया, एक का ये प्राइस है, दूसरी की ये, तीसरी की ये, चार, टोटल चार कलर पेंसिल्स हैं, उनके डिफरेंट प्राइसेस हैं। अब कहता है वो बताओ, एवरेज बताओ कि उसने कितनी अमाउंट स्पेंड की पेंसिल्स पे, तो वो अगेन सिंपल है,
ठीक है, अमाउंट स्पेंड के लिए आप क्या करोगे, मतलब एवरेज फाइंड करनी है ना, एवरेज जितनी अमाउंट उसने स्पेंड की उस पैसे पे। स्टेटमेंट मैं रिपीट कर देता हूँ कि अहमद बॉट कलर पेंसिल्स विद प्राइस दिस दिस दिस, ठीक है, फाइंड द एवरेज अमाउंट स्पेंड ऑन अ पेंसिल। तो एवरेज अमाउंट कितनी बनेगी उसकी, एवरेज अमाउंट सिंपल ये है कि आपने इन चारों को ऐड कर देना। अब ये नहीं कर देना कि यार मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, इस पे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, मैं बताता हूँ इसको क्या कैसे करना होता है। 9.84 और 8.16, अब इसको देखो ना सिंपल, ये हमारे पास 18 बन जाता है। कैसे, 84 में वो प्लस करें 10 बन जाएगा और ये 18 बन गया। अब इन दो को आपको सिर्फ ऐड करना पड़ेगा और इसकी वैल्यू क्या बनती है, ठीक है। तो इसको अगर हम देखते हैं 16.75 है और 3.45 है। अब इसको देखें, 0, 1, 8 और 4 12 हो जाता है और ये 1, तो 7 और 3 10, तो ये 20.20। अब 20.20 को ऐड कर दें 18 में तो ये 38.20 आ जाएगा और टोटल नंबर कितने, 1, 2, 3, 4, 4। अब क्या करना है, इसको आप डिवाइड कर दें, ठीक है, 38.20 को। हमें पता है कि 4 9 जो होता है वो 36 होता है, ठीक है, ये 2 और 22, ठीक है। तो 4 कितने का 4 हमारे पास, 4 4 16 4 5 20 हो गया, ठीक है, और अगेन 2 बचा तो वो 4 5 20। अब हमने देखा कि ये जो नंबर आया है इसमें 2 के बाद, मतलब इधर से 2 के बाद मतलब पॉइंट लगाना है, तो ये यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा, 9.55 इसका आंसर बन जाएगा। तो ये हमारे पास एवरेज होगी इसकी, ठीक। तो यहाँ तक तो सारी हमारे पास कहानी अब आहिस्ता आहिस्ता कम्प्लेक्स होती जा रही है। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन है, वो हमसे पूछता है उसमें कि जनाब बताएं, एवरेज ऑफ 4 नंबर इज 15, ठीक, एवरेज ऑफ 4 नंबर इज 15, कितने नंबरों की एवरेज बता दी है, क्या है 15, कितने नंबर्स की है, 4 नंबर्स की है, ठीक, 4 नंबर्स की एवरेज कितनी है, 15। अच्छा, आगे क्या कहता है, एवरेज ऑफ 4 नंबर इज, एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 15, सॉरी 3 नंबर इज 15, एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 15, व्हाट इज द सम ऑफ 3 नंबर, ठीक, व्हाट इज द सम ऑफ 3 नंबर। अब कह रहे हैं कि सम ऑफ 3 नंबर बताएं, अब सिंपल है, ठीक है, सम ऑफ 3 नंबर आप किस तरह बताओगे। हम कहते हैं कि हमारे पास जो एवरेज होती है वो हमारे पास होती है सम ऑफ नंबर्स की और डिवाइड बाय टोटल नंबर्स की। अब वो हमें कहता है कि एवरेज जो है वो 15 है, सम ऑफ 3 नंबर्स बताओ, ए प्लस बी, हम एज्यूम कर लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी है, टोटल नंबर पर हमें 3 है, 3, इसको करो यहाँ पे तो सम कितना आ गया 3 नंबर्स का, 45, ठीक, ये समझ आई है। अच्छा, अब इसके बाद जो क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है, वो कहता है कि एवरेज अगेन इसी तरह क्या है कि एवरेज ऑफ 4 नंबर इज 24, ठीक है, और फिर उसके बाद कहता है कि व्हाट इज द सम ऑफ 4 नंबर्स, अगेन उसमें क्या कर देना है, 24 है तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइड बाय मतलब 4 करेंगे तो वो वहां पे 24 के साथ 4 हो जाएगा, तो वो हमारे पास कितना बचेगा, 24 into 4, 4 4 16, 4 2 8, 96 हमारे पास उसका एवरेज आ जाएगा, ठीक है, सम ऑफ नंबर्स आ जाएंगे। चलो ये हमारे पास हो गया। अच्छा, अब इसके अलावा एक और क्वेश्चन है जो हमें कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ 4 नंबर इज, एक मिनट एक और भी है, हाँ, कहता है कि द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज, 5 नंबर्स की जो एवरेज है वो हमारे पास कितनी है जी, एवरेज वो हमारे पास है, एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 54। फिर आगे हमें कहता है कि उसकी 54 है और कहते हैं कि उसमें जो 3 नंबर हैं वो कितने हैं, 26 है, 28 है और 30 है। अब हमें कहता है व्हाट इज द एवरेज ऑफ अदर 2, अब अदर 2 की एवरेज क्या है, ठीक है, अब अदर 2 को हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो ए और बी है, ठीक। अब हम कहते हैं कि हमारे पास एवरेज जो है वो अगेन वो फार्मूला सम ऑफ नंबर
डिवाइड बाय टोटल नंबर। अब एवरेज जो हमारे पास गिवन है वो कितनी है, फाइव नंबर्स की टोटल एवरेज कितनी है 54। अच्छा जी देख लिया, फाइव नंबर्स हमारे पास कितने हैं 26 प्लस 28 प्लस 30, सम ऑफ नंबर लिख लो प्लस ए प्लस बी, और टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं 5। अब करना क्या है, अब इसको इधर ले आए, ठीक है 54 इंटू 5 कर लें, तो 54 द 20 और 55 द 270 आ गया ये, और इसको प्लस कर लेते हैं अब 30 20 58 और 6 64 20 84 84 प्लस ए प्लस बी, अब 84 आ जाएगा, ये इसको इधर ले आए 270 माइनस 84, जो आंसर आया वो हमारे पास क्या आ गया, सम ऑफ अदर टू, जो एवरेज है अदर दो नंबर का हमारे पास आ गया, ठीक है यहां तक समझ आई है कि नहीं। 270 में से 84 को माइनस करें तो ये 6 आ गया, यहां से 1 चला जाएगा तो ये कितना बचा 16, 16 में से 8 माइनस करें तो 8 बच जाएगा और ये 186, ठीक, तो ये हमारे पास इसका आंसर 186 बनता है। अच्छा ये हमारे पास एक टेक्निकलिटी आ गई स्मॉल सी, ठीक है कि इसको क्या करना है, किस तरह करना है और किस तरह नहीं करना। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है अब ये वेजेस वाले हैं, इसको जरा गौर से देखना। हमें कहता है कि द एवरेज वेजेस ऑफ वर्कर ड्यूरिंग 15 कंसेक्टिव वर्किंग डेज वाज ₹90। अच्छा एवरेज वेजेस जो है, ठीक है वर्कर की 15 कंसेक्टिव डेज है, 15 कंसेक्टिव डेज है, डी से रिप्रेजेंट करो, 15 कंसेक्टिव डेज है वर्किंग डेज, और उसकी कितनी रुपीस है 90 रुपीस है। अच्छा अब कहता है कि फर्स्ट 7 डेज है उनकी जो एवरेज है वो 87 है, फर्स्ट 7 डेज में उनकी जो एवरेज है वो 87 है। हम कहते हैं कि ये यहां से लेके ये 7 दिन है, ठीक है 1 से लेके 7 और ये 8वां दिन है, और ये यहां से लेके फिर 15 तक है। अच्छा हमें कहता है क्या है, हमें वो ये बता रहा है कि 7 डेज की इतनी है, फिर कहता है कि एंड द एवरेज वेजेस ड्यूरिंग द लास्ट 7 डेज वाज, जो लास्ट 7 डेज है वो कितने हैं 92 इंटू 7। अच्छा अब इसमें क्या करना होता है, अब वो हमें कहता है कि टोटल 15 डेज हैं जी, ठीक है और कहता है व्हाट इज हिज वेज ऑन 8 डे, इस डे पे हमने उसके वेज फाइंड करने कि 8 डे पे उसको कितने पैसे मिल रहे हैं या कितने उसको सरमाया मिल रहा है। अच्छा अब इसको करने का सबसे पहले तरीका क्या है कि 15 डेज और 90 है, सबसे पहले 90 और 15 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है 45 10 9 05 1350, यहां से तो आ गए 350 टोटल वेजेस जो होंगे, इसको करना है टोटल वेजेस, ठीक है और वेजेस वेजेस ऑन फर्स्ट 7 डेज, फर्स्ट 7 डेज पे क्या है, प्लस वेजेस ऑन लास्ट 7 डेज, और उसके अलावा उसके 8 डेज पे हमने फाइंड करना है ना 8 डे वेजेस। अब सिंपल क्या करना है जी, टोटल वेजेस हमारे पास कितना है 1350 आ गए, ठीक है रुपीज 1350 आ गए। अच्छा अब इसको मल्टीप्लाई करें जल्दी से, 87 को 7 से कर लें 49 और 87 का क्या होता है जी 49 और 56 और 56 और 609, ठीक है और यहाँ से करें 92 को 7 से 7 to the 14 और 7963 644, ठीक है 644। अब क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर दिया 609 प्लस 644 क्या था 644 और 8 डे वेजेस, तो 8 डे वेजेस को फाइंड करने के लिए इस इन दोनों को प्लस कर दें आपस में 644 609 9413 हो गया 15 हो गया 66 1253 8 डेज पे ये। अब इस 1350 में से 1253 को माइनस करें, जो आंसर आया
वो हमारे पास 8 डे की वेजेस होंगी, ठीक है? जो आंसर आया वो हमारे पास 8 डे की वेजेस होगी, मतलब करें ना 1350 से अगर हम माइनस करते हैं 1253 को, नाइन्टी सेवन, ठीक है? तो 97 रुपीज 8 डे पे उसको वेजेस मिलती। ये चीज समझ आई है? इसमें ट्रिक क्या है? इसमें ट्रिक ये है कि आपको जितने डेज दिए उसको मल्टीप्लाई करो, दूसरे को मल्टीप्लाई करो, फिर दोनों को ऐड कर दो और टोटल में से माइनस कर दो, तो आपको टोटल वेजेस मिल जाएंगी, जो जो रिक्वायर्ड है वो मिल जाएंगी। ठीक है, अच्छा, खामोशी को मैं यही समझ रहा हूँ कि समझ आ रही है, ठीक। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी को लेके। अब कह रहा है कि द एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ 12 स्टूडेंट्स, अब जिस तरह मैं लिख रहा हूं इसी तरह को फॉलो करना है। कह रहे कि द एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ 12 स्टूडेंट, 12 स्टूडेंट्स हैं और उनकी जो एवरेज एज है वो 20 ईयर्स है। कितनी ईयर्स है? 20 ईयर्स है। अच्छा, फिर हमें कह रहा है 12 स्टूडेंट्स की 20 ईयर्स एवरेज, इफ फोर मोर स्टूडेंट ज्वाइन द ग्रुप, इफ फोर मोर स्टूडेंट्स मतलब ये है ना, अब इसमें इंक्रीज हो रहा है, इफ फोर मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन द ग्रुप, तो ये कितना हो गया हमारे पास? 16 हो जाएंगे। अच्छा, इफ फोर मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन द ग्रुप द एवरेज एज इंक्रीज बाय 1 ईयर, तो ये 21 ईयर्स हो गए, ठीक। ये कितने हो गए? 21 ईयर्स हो गए। अच्छा, अब हमें क्या कहता है, द एवरेज एज ऑफ न्यू स्टूडेंट इज, हमने क्या फाइंड करना है? एवरेज एज ऑफ न्यू स्टूडेंट इज, अच्छा, अब आपने सिंपल क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 12, 20, 240, 21, 16, 336। अब क्या करना है, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर देना है, -240, जो बचा वो हमारे पास उसकी एवरेज एज है, जो भी न्यू स्टूडेंट है उसकी एवरेज एज 336, 240 माइनस करें 6, यहां से नहीं होगा 13, 13 में से 4 करेंगे 76, तो उसकी एज क्या होगी? 76, ठीक। ये इस तरह से होगा, बाकी आप देख लें माइनस वगैरह मैंने ठीक किया है गलत किया। अरे ये 76 को पहले डिवाइड बाय 4 करेंगे ना, फिर रहेगी हाँ हाँ आगे से डिवाइड बाय 4, ठीक है, जो 76 आया, ठीक। ये हमारे पास उसका जो भी वैल्यू थी, और टोटल स्टूडेंट कितने ऐड हुए थे? 4 हुए थे, तो 4 ऐड हुए थे तो वो कितने हो गए? 4 1 4, यहाँ पे बचा 36, तो 19, ये माइनस सही कर लें, जो भी आया ना इन दोनों को माइनस करके ना जो भी आंसर आया उसको डिवाइड बाय 4 कर देना, आपके पास न्यू स्टूडेंट की एवरेज एज आएगी, ठीक है? तो यहां तक किसी का कोई सवाल हो?